नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल, चैनल नंबर 1 से 12, और हमारा नवे चैनल पर आप हमारे साथ नहीं हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में, जो कि हम लेकर आए हैं टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम पर, जहां पर हम अपनी समझ का दायरा बढ़ाते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम के प्रति। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, आइए उनका भी स्वागत करते हैं। आप हैं मिस पायल सैनी। पायल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आज का ये सेशन खास है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी। क्या चीज होती है ये, किस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं ये, आपको बताया जाएगा विस्तार से हमारे विशेषज्ञ द्वारा, जो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं मिस्टर सोम कृष्ण, आप कोर्स कोऑर्डिनेटर कम लेक्चरर हैं रेड क्रॉस हिंदू इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन सोनीपत हरियाणा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेसेस पर जो आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। आप अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। और जैसा हमने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो चीज है, किन किन बच्चों के लिए है? सर, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो स्पेशली खासकर हमारे जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है, या हम जिनको दिव्यांगजन कहते हैं, उन सब बच्चों के लिए जो है हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये उपयोग में लाई जाती है। प्लीज आप एक स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो आप इसमें देखेंगे बहुत सारे इसमें पिक्चर्स हैं, जिसके माध्यम से आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी हो सकती है। इसमें कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकती है, कोई भी सर्विसेज हो सकती है, या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जिसकी सहायता से जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी पर्सन हैं, उनके लिए कोई भी टास्क करना या फिर किसी भी काम को करने में जो है सहायता मिलती है, जिससे कि वो काम पूरा कर सके। उदाहरण के लिए, जैसे अगर किसी व्यक्ति को, बच्चे को राइटिंग में डिफिकल्टी हो रही है, उसकी ग्रास्पिंग नहीं बन पा रही है, हाथ उसका जो पेन पकड़ने की शेप में नहीं है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में जो राइटिंग का टास्क है वो पूरा करने के लिए हमें क्या है, जो हमारा सिंपल पेन है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई इन द सेंस, अगर आप ये भी देख रहे होंगे हमारे पास क्या ये सिंपल पेन है, इसे सिंपल एडेप्टेशन किया हुआ है, तो ये इसके माध्यम से हमने इसमें बाहर से बॉल लगाया है, तो अगर बच्चा ग्रास्प नहीं बन पा रहा है तो इसको होल्ड कर पाएगा और इस तरह से वो लिख पाएगा। तो इस तरह से स्मॉल स्मॉल एडेप्टेशन करके जो भी डिवाइस या आइटम में या प्रोडक्ट में हम कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हमारे दिव्यांगजन या स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी किसी क्लास में किसी भी सेक्टर का हो, वो इसको अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर अगर देख रहे हैं कि जो अलग अलग डिसेबिलिटी वाले हैं, जैसे आपने कहा कि किस किस व्यक्तियों या बच्चों के लिए हम यूज कर सकते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो जितने प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो उन सभी के लिए जो है हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। जो RPWD एक्ट 2016 जो एक्ट है, उसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीयां मेंशन की गई है, विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अगर देखते हैं हम तो जिस तरह से कैलकुलेटर है, अगर कोई विजुअल इंपेयरमेंट पर्सन है, उसको कैलकुलेशन करना है या मैथ का एडिशन करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें जो कैलकुलेटर के बटन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो ब्रेल होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं, उसका उसमें उपयोग होगा। उसके अलावा ऑडियो भी उसमें इंक्लूड होगा, जिस तरह से जो राइटअप करेगा या टच करेगा बटन, तो उसने टाइप किया है वो ऑटोमेटिकली जो है आपको ऑडियो के माध्यम से सुनाई देगा। तो ये बेसिकली हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, और इसमें अलग अलग लेवल या टाइप भी हैं, क्योंकि अगर देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कोई पेन अडेप्ट किया है, या सिग्नेचर गाइड है, या बिग ट्रैक माउस है,
या एडेप्टेड कीबोर्ड है, तो एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको हम सिंपल डिवाइस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करते हैं विदाउट बैटरी एंड विदाउट इलेक्ट्रिकल थिंग्स, सो उनको हम लो टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। सेकेंड इज मिड टेक, वो टेक्नोलॉजी कौन से प्रकार की होती है जिसमें हम बैटरी यूज करते हैं, ठीक है, तो बैटरी यूज करते हैं वो मिड टेक हो गया। थर्ड थिंग इज जिसमें इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं या प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, हाई टेक असिस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये सब प्रकार के टेक्नोलॉजी है जिसको हम स्टूडेंट विद डिजेबिलिटी के लिए और पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए जो है यूज कर सकते हैं कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए और उनकी फंक्शनल कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। जी तो सर, ये तो बात हुई असिस्टिव टेक्नोलॉजी की कि किन किन तरह से हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और किन बच्चों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रदान करने की बात करें तो किस तरह से बेटर सिलेक्शन किया जाना चाहिए, अगर हम बात करें अपने स्पेशल नीड बच्चों के लिए, और किन एक्सपर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। डेफिनेटली, प्लीज आप नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, थर्ड स्लाइड, इसे नेक्स्ट स्लाइड, हाँ थैंक यू। आपका जो क्वेश्चन है कि हम किस तरह से सिलेक्शन किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी अगर हम इक्विपमेंट का कोई भी काम करते हैं उसके लिए क्या हमें इक्विपमेंट चाहिए, वो उसका सही सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग किस तरह से, रेगुलर क्लासरूम में कोई भी टीचर होते हैं, बच्चे बहुत सारे डाइवर्स लर्नर हैं, सबकी नीड्स जरूरत अलग अलग है। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें पर्सन विदाउट डिजेबिलिटी की भी, अगर बहुत सारे पेन मार्केट में आते हैं लेकिन हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट कलर या डिफरेंट टाइप का पेन यूज करता है, ठीक है, तो वो उनकी जरूरत और उनके इंटरेस्ट और उनके कंफर्टेबिलिटी के अनुसार पर जो है वो यूज करते हैं। वैसे ही हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके में कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है, तो उनके कुछ लाइक डिसलाइक होते हैं, तो जिस बच्चे में भी अगर टीचर रेगुलर क्लासरूम में पढ़ा रहा है उसमें अगर डिफिकल्टी आ रही है, जो हमने एरिया यहाँ पर अगर देख रहे हैं, आप हमारा एकेडमिक हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, किसी एक्सेस के लिए हो गया, एडीएल जो डेली एक्टिविटी हो गया, सोशल बिहेवियर हो गया, या विजन या हियरिंग प्रॉब्लम, ये जो स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है ये ओयो सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड लो इंसिडेंट द्वारा दी गई है, तो उन्होंने एरिया डिवाइड किए गए और सर वेटी का असेसमेंट भी है। तो इसमें जब टीचर क्लासरूम में आइडेंटिफाई करेगा कि बच्चे को लिखने में डिफिकल्टी आ रही है या बच्चे को रीड करने में डिफिकल्टी आ रही है, हो सकता है, या बच्चे को मैथ की कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी आ रही है, ये चीज़ें हो सकती है, तो जब वो देखेंगे कि इनको डिफिकल्टी आ रही है तो एक टीम बनकर, जैसे आपने कहा कि टीम की बात करी आपने, तो टीम में आप सबसे पहले सब्जेक्ट टीचर हो गया जो कि सबसे पहले बच्चे की प्रॉब्लम को कैच करेगा, फिर स्पेशल एजुकेटर हो गया, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो गया, देन साइकोलॉजिस्ट हो गया, देन स्पीच थेरेपिस्ट, देन फिजियोथेरेपिस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स में आल्सो, तो ये सब टीम उसमें इंक्लूड है कि सभी अपना कंट्रीब्यूशन और अपना स्पेशलाइजेशन यूज करके जो है बच्चे के इन एरिया का सही से आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे का जो प्रॉब्लम कौन से एरिया में है, ठीक है। आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, और इसमें 14 एरिया दिए गए हैं, वेटी ज़्यादातर हम इस को यूज करते हैं इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बच्चे के असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए। तो जब हमें ये पता लग गया कि बच्चे में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा सेरेब्रल पल्सी है, उसको मूवमेंट में भी प्रॉब्लम है और साथ में वो कह रहे हैं कि बोलने में भी समस्या आ रही है, तो हो सकता है विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसको कोई भी कंटेंट दिखने में समस्या है या लो विजन सा है, तो उसके लिए ये आइडेंटिफाई हो गया। फिर हमें क्या करना है, हमें जो पूरी टीम है उसको डिसाइड करने की जरूरत है कि बच्चा को क्या करना है, यानी कि उसको राइट करनी है या रीडिंग करनी है, कोई भी टास्क उसको करना है तो क्या करना है उसको, वो हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि बच्चे में एबिलिटी कितनी करें, अगर हम राइटिंग की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया कि राइटिंग के लिए हमने क्या किया, पेन है, बच्चे को लिखना है लेकिन बच्चा ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे हम, इसको जो पेन है उसमें हमने एडेप्टेशन कर दिया,
ठीक है, तो उसकी जरूरत क्या थी कि हमें राइटिंग करनी, एबिलिटी क्या थी, एबिलिटी उसकी ये है कि वो पेन को अपने फिंगर को जो है पूरी तरह से पेन के नजदीक नहीं ला सकता, तो उसके लिए क्या है, ये उसका करंट लेवल है। उसके बाद क्या करना है कि हमें उसे करना क्या है, हमारा गोल क्या है, गोल क्या है हमें अचीव करना है, या एक जो पैराग्राफ लिखना है राइटिंग का वो लिखना है, दैट इज हमें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सोचना है। देन सेकंड थिंग इज इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट भी देखना है, या इन्वायरमेंट क्या देखना है, हमें हमें ये देखना है कि या क्लासरूम में हमें ये टास्क बच्चे से कराना है, या बच्चे से हमें वर्चुअल लैब में टास्क कराना है, या बच्चे से हमें ग्राउंड में टास्क करवाना है, क्योंकि उसके आधार पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी होगी यूज होगी, क्योंकि इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कि एक ही टेक्नोलॉजी हर जगह यूज होगी, तो इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग इज टास्क, एंड फोर्थ थिंग इज जो भी टूल हम यूज करेंगे बच्चे के लिए, ठीक है। तो टूल में अगर देखेंगे हम कि बच्चे की एबिलिटी, इन्वायरमेंट और जो हमारा टास्क है, बच्चे से क्या टास्क हमें कराना है, और उसके आधार पर हमें टूल का सिलेक्शन करना है, टूल का सिलेक्शन करना है। अगर बच्चे में रीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो हम कीबोर्ड यूज करेंगे, विजुअल इंपेयरमेंट है। बच्चे में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो हम गूगल ट्रांसक्राइब यूज करेंगे, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि जिससे कि बच्चा कम्युनिकेट कर सके। तो ये चीजें, इसको हम सेट भी कहते हैं अगर एजुकेशन के तौर पर, स्टूडेंट, एनवायरमेंट, टास्क एंड टूल। तो ये चार एस्पेक्ट सभी एक्सपर्ट को ध्यान में रखकर ये जो है स्क्रीनिंग एंड फिर उसका सिलेक्शन किया जाएगा कि ये सुटेबल है इस बच्चे के लिए। जी सर, इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं जो हमारे स्पेशल नीड बच्चों को सीखने में और टीचर्स को सिखाने में मदद कर सकते हैं सर। अगर सीखने की बात करते हैं, हम पहले लर्निंग से आते हैं कि लर्निंग के लिए बहुत सारे हमारे ऐप्स हैं, बहुत से हमारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत से हमारे ऑनलाइन साइट्स हैं, बहुत से हमारे फिजिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी यूजफुल और रिसोर्स है हमारे सभी बच्चों के लिए, टीचर के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कि डेवलप किया गया है IIT, जो हमारी मद्रास एनेबिलिटी फाउंडेशन है उसके द्वारा। प्लीज आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो इसका नाम है कवि प्लस। तो कवि प्लस में क्या होता है कि आप एक टीचर जो है लेसन तैयार कर सकता है, तैयार कर सकता है इन से जिस तरह से आप लेसन प्लान बनाते हैं रिटर्न में, वैसे ही आप इसमें लेसन प्लान जो है बना सकते हैं। और सबसे बेटर की बात इसमें ये है कि आप ग्रुप के लिए बना सकते हैं, इंडिविजुअल के लिए भी, वो इसमें फैसिलिटी या ऑप्शन अवेलेबल है। आप एक बच्चे जैसे जिस तरह से हम IEP बच्चों को बनाते हैं, ये IEP क्योंकि इंडिविजुअली बच्चे के लिए एक एक गोल के अनुसार जो बनाना होता है तो उसके लिए भी सूटेबल है, या फिर पूरे ग्रुप और क्लास के लिए बनाना हो उसके लिए भी सूटेबल है। दैट ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द डिसाइड कि आप सबको देना चाहते हैं सेम टॉपिक या इंडिविजुअल बच्चे को जो है एक देना चाहते हैं। इसमें टीचर का लॉगिन होता है और स्टूडेंट का लॉगिन होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, नाम, ईमेल, आईडी, क्लास, ये सब इसमें आपको ऐड करने होते हैं, और टीचर को ही स्टूडेंट्स का अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। और अगर आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, इसमें टीचर लॉगिन है, नीचे स्टूडेंट लॉगिन है, तो स्टूडेंट यहाँ से लॉगिन करेगा और टीचर ऊपर से लॉगिन करेगा, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आपने, मैंने कहा आपको कि इसमें डिटेल स्मॉल स्मॉल ऐड करनी होती है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और आपका स्कूल का नाम, रजिस्टर हो जाएगा। मैंने कहा आपको कि ये इनेबिलिटी फाउंडेशन के द्वारा जो है डेवलप किया गया है, जो इंडियन ही है। प्लीज नेक्स्ट। अब इसमें ऑप्शन अगर ऊपर देख रहे हैं आप, इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, मैनेज स्टूडेंट में आप स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से हम व्हाट्सएप में ऐड करते हैं सभी पर्सन को, उस तरह से हम व्हाट्सएप का नंबर के थ्रू होता है, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे बच्चे की डिटेल डालकर और बच्चे का जो पासवर्ड है क्लास में ऐड करके। तो बच्चे को, स्टूडेंट को आप डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ऊपर देख रहे हैं कि मैनेज लेसन आ रहा है,
प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, मैंने इस लेसन में, देखिए इसमें आप लेसन ऐड कर सकते हैं, यानी कि लेसन आप बना सकते हैं इसमें, जो भी लेसन आपको पढ़ाना है। आप आज आपने बच्चे का असेसमेंट किया कि हाँ करंट लेवल देखा कि बच्चों को हमने ये पढ़ाना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपने क्या किया, लेसन को ऐड किया, कंटेंट डाला, इमेज डाली, इमेज ऑलरेडी इसमें कुछ अवेलेबल है और आप जो है इमेज इसमें ऐड भी कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन ऑप्शन है इसमें। एंड उसके बाद अगर आपने कुछ ऐसे लेसन बनाया है और उस पर कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऑप्शन है, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। एंड नेक्स्ट इज उसके बाद आपको देख रहे होंगे असाइन टू लेसन स्टूडेंट, स्टूडेंट को लेसन असाइन करना है आपको, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये यहाँ पर ये लेआउट है अलग अलग, अगर देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, देखिए टाइटल आ रहा है, फिर टेक्स्ट आ रहा है। टाइटल मान लीजिए अगर आप एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे टाइटल में आपने एनिमल के टाइटल लिखेंगे, उसके नीचे टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट मीन्स एनिमल मीन्स व्हाट, आप यहाँ पर एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके नीचे आप इमेज, एनिमल की इमेज लगाएंगे। देन या फिर अगर मान लीजिए आपने यहाँ हाथी लगाया कोई भी एग्जाम्पल के लिए, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया नीचे, क्या डिस्क्रिप्शन देंगे कि हाथी जो है सबसे विशाल जानवर है, ठीक है, या हाथी की दांत सबसे लंबे है। इस तरह से आपने जो उसकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रूफ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा लेआउट चूज करते हैं, कौन सा सही रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, आप इसमें वीडियो भी जो है एड कर सकते हैं, ठीक है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने आपको स्टूडेंट का बताया था, रजिस्टर होगा जिस तरह से, प्लीज नेक्स्ट, प्लीज नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, थैंक यू। अभी जो स्टूडेंट लॉगिन में मैंने बताया आपको, तो स्टूडेंट लॉगिन क्या होगा, तो टीचर की ईमेल आईडी डालेगा जब स्टूडेंट को लॉगिन करना है, बच्चे को अपनी ईमेल आईडी नहीं डालनी है, वो टीचर की ईमेल आईडी ऐड करेंगे और जो उनका यूजर नेम होगा एंड पासवर्ड जो कि टीचर ने जब अकाउंट क्रिएट किया होगा बच्चे का और ऐड किया होगा उस टाइम जो पासवर्ड डाला होगा वो यहाँ पर उनको ऐड करना है, प्लीज नेक्स्ट, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या है इसमें कि एक्सेसिबल भी है, आपने जो विजुअल लर्नर है उनके बहुत सुटेबल है। अगर आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे काउंटिंग पे, क्लिक करेंगे वन वन पे, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हाईलाइट साथ में करेगा, जब जो भी आप सेंटेंस या वर्ड पढ़ना चाहेंगे वो हाईलाइट करेगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, इसमें जो असेसमेंट के लिए ऑप्शन है, असेसमेंट के लिए भी जो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आपके इमेज टू इमेज मैचिंग है, इमेज टू टेक्स्ट मैचिंग है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट मैचिंग है, MCQs है, तो ये सारे टीचर क्या करेगा, जब असाइन करेगा लेसन, बच्चे को एक्सरसाइज भी असाइन करेगा, फिर बच्चा लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद क्या होगा, बच्चा लेसन रीड करना चाहेगा तो रीड करेगा, देन सेकंड एक्सरसाइज बच्चा करेगा, एक्सरसाइज करने के बाद जो रिजल्ट है जो भी है वो किसके पास जाएगा, टीचर के पास जाएगा और टीचर जो है उसको बाद में करेक्शन इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा कवर क्लास है जो कि लर्निंग के लिए बहुत खासकर विजुअल लर्नर जो है, विजुअल लर्नर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, either this hearing impairment, इनके लिए जो है बहुत यूजफुल है क्योंकि आप इसमें साइन लैंग्वेज की वीडियो भी ऐड कर सकते हैं जो भी कंटेंट आपने से यूज किया है। तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी सभी के लिए जो है बहुत यूजफुल है। तो ये एक इस तरह से बहुत अदर भी हमारे सोर्सेज है जो हम यूज कर सकते हैं अलग अलग लर्निंग के लिए, रीडिंग के लिए अलग है, राइटिंग के लिए अलग है, स्पीच इम्प्रूवमेंट के लिए भी अलग है, रीडिंग के लिए फ्लुएंसी ट्यूटर अगर देखेंगे आप सर्च करके तो उसके लिए फ्लुएंसी बच्चा की रीडिंग इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, प्रोनाउंसिएशन सही है, ग्रामेटिकल एरर करता है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया साइट है। आप बच्चे को कोई पैराग्राफ ऐड करने के लिए दीजिए, बच्चा पैराग्राफ को पढ़ेगा, जैसे ही जहाँ जहाँ जो रीड करेगा वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, देन रिकॉर्डिंग करने के बाद वो टीचर को सेंड करेगा, टीचर उसमें करेक्शन करेगा, टीचर रिकॉर्डिंग भी सुनेगा, साथ में हाईलाइट भी होता रहेगा। तो उसमें साथ साथ में ये भी ऑप्शन है कि आप जहाँ बच्चे ने प्रोनंसिएशन गलत किया है या ओमिशन किया है, ओमिशन किया है मतलब वर्ड को डिस्टॉर्शन है, तो वो उसमें मार्क कर सकते हैं साथ में जी।
तो ये तो बातें हुई कि स्टूडेंट्स जो हमारे स्पेशल नीड बच्चे हैं उनको किस तरह से सिखाया जा सकता है और टीचर्स भी किस तरह से सीख सकते हैं और सिखाने में मदद कर सकते हैं। हम सर एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे और हम ये बात करेंगे कि अगर क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो सभी विद्यार्थी अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, लाइव ट्रांसक्राइब में बच्चों को कैसे पता चलेगा सर कि दूसरे व्यक्ति ने जो है बोलना शुरू कर दिया है? तो एक्चुअली अपना नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज, नेक्स्ट लाइव ट्रांसक्राइब। हाँ राइट, अगर हम बात करते हैं ये एक ऐप है, ये बहुत ही अच्छा ऐप है, खासकर बेसिकली डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, हियरिंग इम्पेयर बच्चे हैं हमारे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। उसके अलावा अदर विदाउट पर्सन स्टूडेंट विदाउट डिजेबिलिटी के लिए बहुत यूजफुल है। अगर मैं बेसिक थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लूँ तो इसमें बहुत सारे फीचर हैं। इसमें तो सबसे पहले कि अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है तो जो डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वाला बच्चा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, तो उस कंडीशन में बच्चा सुन रहा है लेकिन बहुत सारे वर्ड में भी बीच में मिस हो जाए, ऐसा परिस्थिति आ जाती है, तो ये क्या होता है, जो टीचर बोलेगा सारा डिस्क्रिप्ट कैप्शनिंग जो है इसमें लाइव आ जाएगा, जो जो भी टीचर जो है बोलते हैं। साथ में अगर जैसे आपने ग्रुप डिस्कशन की बात करी, अगर ग्रुप डिस्कशन भी हो रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक एक बच्चा एक एक करके होता है, पॉइंट्स देता है, तो अगर अपने डाफ एंड हाफ हियरिंग वाले बच्चे को रिस्पांस करना है तो उसमें रिस्पांस भी कर सकता है टाइप करके। देन सेकंड वो एक ऑप्शन है जो आपने कहा कि ये काफी अच्छा फीचर भी है इसमें, ये इसमें क्या होता है कि जब दूसरे बच्चे ने अगर अपना पॉइंट रखना है, एक बच्चे ने रख दिया तो कुछ सेकंड बाद उसने अपना बोलना शुरू किया, तो इसमें एक ऑप्शन होता है कि कुछ एक व्यक्ति के पॉज होने पर कितने सेकंड समय तक के बाद जो है अगर दूसरा व्यक्ति शुरू बोलना शुरू कर देता है तो वाइब्रेट करता है उसमें, तो जो आपका ऐप है वो आप पे डिपेंड है, आप ऑन रखते हैं ऑफ रखते हैं, तो वो फीचर है इसमें। इसके अलावा और भी फीचर बहुत अच्छे हैं इसमें, जैसे कि अगर क्लासरूम में हियरिंग पे तो बच्चे हैं या जो भी विजुअल लर्नर हैं, अगर मान लीजिए क्लास की बेल बज रही है या फायर अलार्म बज रहा है या फिर स्मोकिंग का अलार्म बज रहा है या इस तरह से कोई भी अदर या पानी का अंदर टैब बह रहा है, तो इस तरह के कुछ साउंड अगर आते हैं तो वो इसमें जो है आपको बीप के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से, फ्लैशलाइट के माध्यम से जो है आपको अवेयर करते हैं। और सेकेंड थिंग ये भी होता है कि आप उस टाइम मान लीजिए वॉशरूम गए हैं, उस टाइम जो है बेल बजी लेकिन आपको सुनाई नहीं दी, लेकिन आपका मोबाइल ऐसी जगह था जहां सुनाई दी, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में कि कहां या कब जैसे जो है क्या हुआ, बेल बजी वो आप बैक करके चेक कर सकते हैं, ये भी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो है आपको एक्सेसिबिलिटी के अदर फीचर भी मिलेंगे, आप टेक्स्ट को लार्ज कर सकते हैं, मान लीजिए जो पर्सन बोल रहा है उसके जब वॉइस जो टेक्स्ट में आ रही है उसको लार्ज कर सकते हैं, और डिफरेंट थीम यूज कर सकते हैं, जो कलर कंट्रास्ट जिसको होते हैं वो यूज कर सकते हैं इसमें अलग अलग, ठीक है, जैसे व्हाइट बैकग्राउंड हो गया और ब्लैक टेक्स्ट हो गया, या बैकग्राउंड ब्लैक हो गया टेक्स्ट व्हाइट हो गया, ये इसमें जो है फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे लाइव ट्रांसक्राइब में, जिससे के माध्यम से जो है जो हियरिंग पर बच्चे जो है आसानी से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं उसके माध्यम से, क्योंकि जो टीचर बोलेगा वो उसमें रिकॉर्ड होगा और उसके बाद वो उसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, जो अननेसेसरी उसमें वर्ड आए हैं उनको हटा करके जो है उनको सेव भी किया जा सकता है। तो ये लाइव ट्रांसक्राइब का जो है हमारे पास फीचर है। इसी तरह से एक दूसरा बहुत ही अच्छा ऐप है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। सर यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमारे पास तकरीबन 4 मिनट का समय और बचा है सर। जी जी थैंक यू। तो उस बात अगर आप करेंगे इसमें मैं बहुत ही अच्छा मल्टी पर्पज ऐप है, और इसमें हमारे पास ये ब्राउजर भी है और वीडियो भी है और क्विज भी है नॉलेज के लिए, उसके बाद जो जितनी भी पीडीएफ है वो एक्सेसिबल हो जाती है हमारी ऑडियो टेक्स्ट में,
जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए सही है। उसके बाद आईडीडी के लिए, इंटेलेक्चुअल डिजेबल्ड बच्चे के लिए हमारे पास इसमें अगर जो भी आप रीड करेंगे सेंटेंस वो जो है आपका हाईलाइट होता जाएगा, ठीक है। और बहुत एक नेक्स्ट बात इसमें ये है कि अगर कोई भी पीडीएफ आपने ओपन की है तो अगर उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड आ रहा होता है, हम अगर डेली रूटीन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको आप सिर्फ सेलेक्ट करके जो है आप दबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें उसका मीनिंग क्या है आपका हिंदी में मीनिंग आएगा, इंग्लिश में मीनिंग आएगा और साथ में इमेज भी आएगा, पिक्चर भी आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है और ये सबके लिए यूजफुल है, पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए भी और पर्सन विदाउट डिजेबिलिटी के लिए। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड जी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं इसके, देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का हुआ है तो ये आईडी बच्चे के लिए जो है या लर्नर डिजिबिलिटी बच्चे के लिए बहुत ही सूटेबल रहता है। और इसमें कलर कंट्रास्ट भी फैसिलिटी है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसमें और आप हाईलाइट भी वर्ड कर सकते हैं और ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं इसमें, इस ऐप में उसको सेव भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ऐप्स हैं जिनके माध्यम से जो है इन बच्चों के लिए जो है अपना एजुकेशन एक्सेसिबल बना सकते हैं और कोई भी टास्क कंप्लीट करने में जो है उन्हें मदद मिल सकती है। जी तो सही, ये तो बात ही, हमारे पास समय बहुत कम है लेकिन जाते जाते एक और क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे, बहुत ही संक्षेप में उसका आंसर जानना चाहेंगे सर। ऐसे बच्चे जिन्हें स्पीच प्रॉब्लम के साथ साथ मूवमेंट से जुड़ा हुआ डिफिकल्टी भी होती है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी की अगर हम बात करें, तो क्लासरूम में कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सी ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है सर ऐसे बच्चों के लिए? सर उनके लिए हम जेलो कम्युनिकेटर है जो आईआईटी मुंबई द्वारा डेवलप किया गया है, उसके माध्यम से जो है उसमें लिटरल इलिटरेट सभी उसके माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारा विजुअलाइजेशन और सिंबल के माध्यम से है। उसके जो भी उसको कहना है वो क्लिक करेगा सिर्फ और उसमें टेक्स्ट में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, तो जेलो कम्युनिकेटर है, अगर आप इसमें हमारे ऑडियंस से जो भी है सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जान पाएंगे कि ये किस तरह से यूज हो जाए। जी, और इसी के साथ हम अपने सेशन के अंत में आ गए हैं, इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे लेकिन उससे पहले हम अपने एक्सपर्ट सोम सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे जुड़े और आपने असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम अपनी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर पायल आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने इतने अच्छे से ये पूरा सेशन इंटरप्रेट किया, थैंक यू सो वेरी मच। अपने सभी देखने वालों को कहेंगे कि आप बने रहिए पीएमए विद्या चैनल पर और इसी के साथ मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत, नमस्कार।